ओके, जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियो, लाडलो लाडलियो। आज क्यों लाडलियों की पोल खोलते हैं, ठीक है, लाडलो की नहीं। आपको कराए हुए क्यों सुने, इनको भी कराए हुए देखे, कितने इनको याद रहते हैं, ठीक है। वैसे बताओ, देखिए विश्व की सबसे वेस्ट नदी, हाँ तो ये भी और भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं यही पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी, वोल्गा, यूरोप महाद्वीप की। विश्व की सर्वाधिक विश्वास घाती नदी, हवांगो, कहाँ की नदी है, चीन की। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं, राइन नदी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे कोयला का आयात निर्यात होता है। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, महाबली गंगा श्रीलंका की, थाईलैंड की, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका। ओके भाई, दूसरा क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी, यांग्त्ज़े, अमेज़न, येनिसी, नील। एशिया की अमेज़न। वाह, देखो क्या खतरनाक आंसर दिया, पता एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांग्त्ज़े, अमेज़न विश्व की सबसे बड़ी आयतन वाली नदी है, नील सबसे लंबी नदी है। क्या बात है भाई, पूरा पूरा याद नंबर को। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, नीपर, मिस्टर डोन और वोल्गा, वोल्गा, चलो सही है एक तो। लाल नदी किस देश में बहती है, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, वियतनाम। अगला क्वेश्चन है आपसे, नील नदी कहाँ गिरती है, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। भूमध्य सागर। अगला, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, यांगत्यांग को, हवांगो को, आमुर को, साल्विन को, हवांगो, चलिए सही है। ये बताना, देखो विश्व की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी लंबी तो गंगा है विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे छोटी नदी, मिसिसिपी, अमेज़न, नील और डेन्यू। क्या है बताओ भाई, हाँ तो बता रहा हूँ ना, विश्व की सबसे चौड़ी नदी भाई, चौड़ी का मतलब है जिसका आयतन सबसे बड़ा है। हाँ, ऑप्शन है मिसिसिपी, अमेज़न, नील और डेन्यू, बताओ। अमेज़न नदी चौड़ी, क्लास में कौन खड़ा है, अमेज़न नदी चौड़ी नदी कौन सी है, अमेज़न विश्व की सबसे चौड़ी नदी, नहीं पता क्या, अमेज़न सबसे लंबी नील, क्लास में पढ़ा है जो याद बने आगे देख लो, यही तो है घोर अपराध। देखो देरी थी, विश्व की सबसे लंबी नदी विश्व की नहीं है, नील भारत की है। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, गंगा नदी। देखा क्या दिमाग लगाया, देखो देखो, वाह वाह वाह, क्या खतरनाक है। भारत की सबसे अधिक, चलो ये सुनो, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती। गंगा और ब्रह्मपुत्र है, बोल रही थी ना, बोल रही थी। ओके, अच्छी बात है, वो तो पता चल ही रहा है ना भाई, बिहार का शो, ठीक है, अपने आप ही आंसर नहीं आ रहे, तो देखो बिहार का शो कौन सी नदी है, ऑप्शन कौन सा, कोसी नदी है बिहार का शो, वाह शाबाश, नर्मदा, महानदी, चंबल और कोसी, नर्मदा, महानदी, चंबल और कोसी, बिहार का शो कोसी, कोसी है। ओके भाई सही है ये।
वाह रे वाह, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। माही लूनी बना दो साबरमती लूनी, ये तो सबको पता। तो अच्छा अब आए, सबको कैसे पता सर, हमको पता ही तो बोलते हो, सबको पता है। ओके, दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिणी भारत ऑप्शन पारो को पता है, पारो देखो 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 पारो इधर आ जाओ, इधर दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी कृष्णा कारुणा। वाह क्या बात, आज तो छा रहे भाई, फॉर्म में अगला क्वेश्चन आपसे बढ़िया सा छाट के बढ़िया लेना पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी प्रवाहित नदी, वही सबसे लंबी नदी गंगा। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी में जाके मिल जाती है? गोदावरी में, महानदी में, कृष्णा ब्रह्मपुत्र में? ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही। वाह जी वाह जी, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है भाई, आज तो तुम छा रहे हो। सर आपने बोला ना कि बैंड बजेगा। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? मैं नदियों के नाम बताऊंगा, रुको तो सही। ब्रह्मपुत्र का नहीं होता ऑप्शन में नहीं, ब्रह्मपुत्र मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऑप्शन बताऊंगा, नहीं बोलूंगा। उससे पहले कैसे बता सकते हो किसका ऑप्शन में, ऑप्शन ही दूंगा। ठीक है आप अपने। अब देखो, निम्नलिखित में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता? ऑप्शन सतलज, रावी, चेनाब और व्यास। सतलज का कहाँ होता है? सतलज का मानसरोवर तिब्बत में, बिल्कुल सही है। चलिए भाई क्या बात, आज तो ये तो खतरनाक। सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर, बिल्कुल सही है जी। ओहो, बेतवा नदी मिलती है किसमें? गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र और सोन में? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सोन। यमुना में, कुछ नहीं आता तुम्हारे को, एक भी नहीं आता। नेट में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? चलो ये तो छोड़ो, मैं तुम्हारे को बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर नहीं आया ना तो देख लेना फिर तुम्हारे को, मतलब कुछ नहीं आता। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता इसका मतलब कुछ नहीं आता। बताओ कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी। वाह भाई देखो, आ तो छा रही है रानी, आ तो भाई छा गई है। महानदी क्वेश्चन भी पूरा नहीं बना दिया, महानदी। वाह रे वाह, नदियों का मैराथन था इसलिए। ये नहीं पढ़ाए मैंने, नहीं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़ाए वो वाले थे। हाँ महेश ने कैसे, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हुए भाई। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंठ में होता है? अमरकंठ की पहाड़ियों, सुन लो पहले ऑप्शन, अमरकंठ की पहाड़ियों से उद्गम होता है कोयल, सोन, पुनपुन और कारो। सोन, बिल्कुल सही, क्योंकि सोन और उसका आवाज होता है नर्मदा, अलग अलग रास्तों पे जाती है। आज तो भाई क्या खा रही है, बादाम खा रही है क्या भाई? अच्छा चिल्ड्रन रहे तो बादाम खा रही है क्या? वाह वाह वाह, कौन सी नदी उड़ीसा में? अच्छा ये तो हो गया, इसका तो खड़ा चांस दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, ये खतरनाक क्वेश्चन है, अगर ये नहीं बता पाए इसका मतलब है कि तुम्हारे को कुछ सर, नहीं आता। फुल फॉर्म में आई थी कि लड़कियों की बेइज्जती करेंगे, बच गई हो, नहीं हुई। हाँ बच गई हो तुम, अरे पेपर नजदीक आए तब हम कमजोर थे। ओ अच्छा, होशियार हो गए हो, थोड़ा तो आता है, अब फुल ताकत है। देखा आज इनके दो चार क्वेश्चन सही क्या हो गए, फॉर्म में आ गए ये तो। अभी देखते हैं, रुको अब क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं तुम्हारे। हाँ भाई तैयार है ना इसका, लेकिन ये तो बता दो कि अब मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ। सर बताने वाले बताओ ना। हाँ ज्यादा होशियार हो। चलिए भाई अब एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं इनसे, अगर उसका आंसर बता दिया इसका मतलब है कि बहुत ही बढ़िया तैयारी है। थोड़ा अलग से क्वेश्चन लेता हूँ, तो हमारी सारी लड़कियां लगेंगी। अलग लेने का विचार है कुछ,
लेकिन मिल नहीं रहा है कोई अच्छा अच्छा सिग्नल। लाजमियों की तारीफ कर दिया अभी बताओ। अच्छा इसका आंसर दो, निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील, विक्टोरिया। सबसे बड़ी झील ओके ओके ओहो, विश्व की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, विश्व की सुपीरियर झील, इंडिया की उलर झील के जम्मू कश्मीर में। ओहो कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? क्या खाई हो भाई आज? ये सब विश्व की, रुको रुको रुको, कुछ नहीं खाए सर, ये सबके टेस्ट के लिए खाए थे। अच्छा है ना। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बेकाल और मर्त सागर। मर्त सागर, अरे समुद्र तल से सबसे नीचाई मर्त सागर की। अभी तो सर पढ़ा रहे थे। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सी झील है? टिटिकाका, टिटिरियस, रुडोल्फ और एडवर्ड। क्या सबसे ऊंचाई पे टिटिकाका ये सबसे ऊंचाई पर नौकायान वाली झील है टिटिकाका झील। चलिए भैया ठीक आंसर दिए, कर लो अपने लिए एक बार। हाँ ओके भाई।